बिहार में रोजगार नहीं होना यह अभिशाप आज हर बिहारी को परेशान कर रहा है। कई बिहारी गरीबों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने प्रदेश जाना पड़ता है। कई तो ठीक ठाक चले जाते हैं, लेकिन कई की प्रदेश में मौत हो जाती है, जिसका खामियाजा जीवन भर उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। अब आप कटिहार अहमदाबाद प्रखंड के 23 वर्षीय युवक राजेश कुमार मंडल को ही ले लीजिए। राजेश अहमदाबाद प्रखंड के किशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में रहता था। अपनी बूढ़ी मां के कहने पर कमाने के लिए 8 दिन पहले ही वह चेन्नई गया था। वहां राजेश मंडल मजदूरी कर रहा था, लेकिन 8वें दिन ही मजदूरी करने के क्रम में एक दर्दनाक घटना घट गई। मजदूरी करने के क्रम में राजेश का अचानक पांव फिसल गया और उसकी जान चली गई। फिसलने से जैसे ही राजेश नीचे गिरा, आसपास काम कर रहे मजदूरों ने उसे दौड़कर उठाया और अस्पताल भी ले गए। लेकिन अफसोस, अस्पताल पहुंचने के पहले ही इस गरीब मजदूर ने दम तोड़ दिया। घटना ये है, काम कर रहे थे हम लोग, ठीक है, 8 दिन हुआ जाने से, यहाँ से एसीआर रोड पांडेचेरी चेन्नई में, उसके बाद गटर का कंक्रीट कर रहे थे, ठीक है, 1.5 मीटर हाइट था वो पाइपलाइन जो था, पाइपलाइन खुल के ये पाइप के लेके ही गिर गया, नीचे गिर गया पाइपलाइन लेके ही। उसके बाद वो चोट लगा सिर पे चोट लगने के बाद गाड़ी आया, एम्बुलेंस आया, उसको ले गए हॉस्पिटल में जाने के इलाज के दौरान उसका मौत हो गया। कितना दिन पहले ये गए थे? ये 8 दिन पहले गए थे। क्या नाम था इनका? राजेश कुमार मंडल। कौन गांव के रहने वाले हैं? लाल बथानी। 8 दिन पहले मजदूरी करने गए? हाँ, मजदूरी करने गया था। वहीं इस तरह घटना हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार मंडल। आप भी साथ में थे? हाँ, भी साथ में थे। आप भी मजदूरी करते? हम भी मजदूरी करते। जब कल 22 अप्रैल की देर शाम राजेश का शव गांव पहुंचा, तो पूरे गांव में ही हाहाकार मच गया। बूढ़ी माँ रो रो कर कह रही थी, अब उनकी बेटी की शादी कौन करवाएगा। हम आपको बता दें कि राजेश के पिता का निधन 15 वर्ष पूर्व ही हो गया था। उसके बाद इस अकेली माँ ने ही अपने 5 बच्चों को पाल पोष कर बड़ा किया। 3 बेटी और 2 बेटों में से उसने 2 बेटियों एवं 1 बेटे की तो शादी कर ली थी, अब तीसरी बेटे की शादी करनी थी। बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे राजेश को कहा कि जाओ प्रदेश जाकर काम करो और कुछ कमा कर लाओ, ताकि तुम्हारी छोटी बहन की शादी कर सकूं। राजेश माँ के कहने पर मजदूरी करने चेन्नई चला गया। मेरा छोटा भाई है, 2 ही भाई थे, एक हम एक मेरा वो भाई राजेश कुमार मंडल, अब हम अकेले रह गए। गया था वो चेन्नई कमाने के लिए, मेरा बोल रहा था भैया तुम घर में रहो, हम जा रहे हैं कुछ पैसा ही करके हम वापस करेंगे, जो कर्जा है वो सोच देना, फिर सोच के बहन का शादी कराते हैं, कराना इस बार, करे बहन भी मेरा बड़ा हो गया सर। तो बोला कि हम बोले कि ठीक है भैया, राजेश तुम जाओ, हम घर का पूरा ही रिस्क ले रहे हैं, उठा रहे हैं, ताकि अब इधर देखभाल करेंगे, और उधर जो आपको जो कमानी होगा उधर से भेजना, हम इधर को कर्जा शोध करेंगे, उसके बाद बहन को शादी करा देंगे। इतने में गया हफ्ता 15 दिन हो गए क्या सर, बस इतने में सुनना मिल रहा है कि आपका भाई दुनिया में नहीं है। हम कहना चाह रहे सर, मेरा गरीबी हाल है, एक मेरा मम्मी है, बुढ़ी है, एक हम अकेले है, आप क्या करेंगे। पापा मेरा गुजरने से 10-15 साल हो गए सर। मेरा नाम है पुतुल कुमार मंडल, लाल बथानी दखीर पर, वार्ड नंबर 9। लेकिन उसकी माँ और राजेश को यह कहाँ पता था कि यह उसके जीवन की अंतिम यात्रा होगी। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ रोते हुए कह रही है, अब उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, उसका घर कैसे चलेगा। इधर ग्रामीणों ने भी सरकार से इस गरीब पीड़ित परिवार के लिए त्वरित मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों का सरकार पर सीधा आरोप है कि अगर बिहार में रोजगार होता तो राजेश भी आज जिंदा होता। एक गरीब परिवार है, खटने के लिए बाहर गए थे, और 3 बहन 2 भाई, छोटा भाई बड़ा भाई पहले इधर उधर कर रहे थे तो खट रहा था, और जो भी कमा के दे रहा था भरण पोषण। एक बहन अभी कुमारी है, इसको देख रेख करने वाला यही सब लड़का था, इसका पापा 12 बरस पहले एक्सपायर कर गए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको सही जगह मिले और इसको वाजिब जो भी मुआवजा मिले। जो विधवा महिला है, मम्मी है उसका, उसको भरी पोषण के लिए सरकार इसको मदद करे। हाँ, और एक कुमारी बहन भी है, और देख रेख करने वाला इसका अब सहारा कोई नहीं रहा। क्या नाम है?
मेरा नाम ध्रुव यादव, सरपंच पति किशनपुर।